So well, hey, what's up everybody, after me say, and I'm back with another video. So Paji, kitna time ho gaya, almost 60 to 70 days ho gaye hain. Pichle saal aaya tha mere paas. Haan, pichle saal aaya tha, wahi keh sakte hain. Pichle saal aaya tha, ye ab naye saal pe aa raha, 2021 mein aa raha guys. And quality bhi thodi achhi lag rahi hogi, thodi pehle wali se achhi ho gayi hogi. Paisa aa gaya hai bhai, mystery boy vlogs hi sari mystery unsolved ho gayi hain. Paisa aa gaya hai, naya phone le liya hai bhai ne, iPhone 12 Pro Max. सरस्वती मोटर्स एंड जसनीत सिंह को तो मिस्ट्री बॉय व्लॉग्स ने काफी मिस्टीरियसली चढ़ाया ऊपर, बाकी आई रियली रिस्पेक्ट दिस थिंग. हमेशा व्लॉग तो बन के जाता है, बोले कितने भी दिन बाद. ये तो है यार, डेफिनेटली ये तो है, इसका मोस्ट वेलकम है, इसके लिए कभी मना मनाई नहीं है. बाकी बस मेरे पास टाइम होना चाहिए, मैं फ्री होना चाहिए. बाकी आज किस पे होने वाला पूरा लॉट? आज डेफिनेटली इट्स बीन रियली लॉन्ग, तो आपके लिए एक स्पेशल वीडियो तो बनता ही है गाइस. उस स्पेशल वीडियो के लिए आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ सारी स्पेशल बाइक्स. थोड़ा सा ऊपर है कैमरा, एक बार दिखा दो पीछे कितना सारा स्टॉक खड़ा हुआ है. आज आपको हर ब्रांड मिलेगा, और आपको आज हर बारे की तरह एक स्पेशल वीडियो के साथ आपको स्पेशल बाइक्स दिखाते हैं. एंड सिनेमैटिक्स एंजॉय कर लो. सिनेमैटिक्स बनाया अगर मैंने अगर बनाए तो एंजॉय कर लेना. बाकी चलिए लेट्स गेट बैक इन एक्शन आफ्टर द सिनेमैटिक्स, एंड आपको मिलवाता हूँ बेहतरीन नई सुपर बाइक्स के साथ. लेट्स गेट स्टार्ट. काफ़ी दिन हो गया आवाज़ सुने हुए, कान तरस रहे हैं आवाज़ों के लिए. बिल्कुल सही, तेरे तरह से मैं तो रोज़ सुनता हूँ यार. आपका तो रोज का ही है. एंड आप सबके भी नो डाउट मिस्ट्री बॉय ब्लॉग से जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं सबके मेरे ख्याल से वो बड़े टाइम से दे क्रेविंग फॉर अ वीडियो ऑफ अस. तो गाइस आज वो घड़ी आ गई है, टाइम हो गया. चलिए बिना फालतू किसी उसके करते हैं व्लॉग का आरंभ. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let them know who you are. Flying up and above. Wish on a star. Time to show them who's in charge. Call me a shooting star. तो गाइस इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, पहले आपको मैं मिलवाता हूँ हार्ली की छोटे स्टॉक के साथ. यहाँ पे हार्ली के अंदर मेरे पास खड़ी हुई है दो स्ट्रीट 750s. आप पहले ब्लू वाली देखेंगे, ब्लू वाली नॉन एबीएस है, ये ब्लैक वाली एबीएस मॉडल है. अगर फ़र्क के बारे में बात करें गाइस तो इसके अंदर फ़र्क आता है सिर्फ और सिर्फ ये देखेंगे तो हार्ली डेविडसन का पूरा रिटर्न लोगो होता है, और उसके अंदर सिर्फ एक बेसिक हार्ली डेविडसन मोटरसाइकिल्स का लोगो आ जाता है. एंड साथ ही साथ एक डिफरेंस आता है इंडिकेटर्स का, इसके अंदर आपको मिलते हैं राउंड इंडिकेटर्स, उसमें आते हैं ओवल इंडिकेटर्स. ये एक सिग्निफिकेंट फ़र्क आता है गाइस लुक्स के अंदर एक एबीएस और एक नॉन एबीएस बाइक के अंदर. बाकी वो वाली है 2017 की, 15 मैन्युफैक्चरर 17 रजिस्टर्ड ब्लू वाली, एंड बाइक चली है सिर्फ 3500 किलोमीटर. उसके अंदर आपको आयरन हेड का एग्जॉस्ट, लेग गार्ड, बैक रेस्ट सब मिल जाता है. एंड रही बात प्राइसिंग की गाइस, उसका प्राइस हम लोग सेट कर रहे हैं 3.25 लाख रुपये, 3,25,000 रुपये के अंदर आपको मिल जाएगी. एंड रही बात इस एबीएस वाली की गाइस, ये एबीएस वाला मॉडल है 2019, 18 मैन्युफैक्चरर 19 रजिस्टर्ड है. ये चली है सिर्फ 5500 किलोमीटर, ओनली 5500 किलोमीटर्स डन. इसके अंदर आपको सिर्फ स्क्रीम ईगल का एग्जॉस्ट मिलता है, उसके अलावा बाइक बिल्कुल स्टॉक है. रही बात इसकी प्राइसिंग की गाइस, इस 19 मॉडल का प्राइस हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 4,25,000, एंड दोनों के प्राइजेज आर लाइकवाइज नेगोशिएबल. बाकी सरस्वती मोटर्स के ऊपर फाइनेंस भी मिलता है आपको, अगर आप दिल्ली एनसीआर से हो तो फाइनेंस से कोई दिक्कत नहीं होगी, बट अगर आप दिल्ली के बाहर से कहीं से हो तो गाइस आपको दिल्ली का गारंटर देना पड़ेगा. लेट्स से अगर आप कर्नाटक या बैंगलोर कहीं से हो तो आपको एक दिल्ली का गारंटर देना पड़ेगा जिसके भी हिसाब से आपको फाइनेंस मिल पाएगा. अगर दिल्ली का गारंटर नहीं है उस केस के अंदर आपको अपने बैंक से ही अपनी स्टेट से लोन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा. दैट्स द ओनली वे राउंड ऑफ इट, अभी फिलहाल यही चल रहा है, बाकी धीरे धीरे करके ऑल ओवर इंडिया फाइनेंस स्टार्ट कर देंगे. 750 के बाद गाइस आती है आयरन. आयरन मेरे पास यहाँ पर दो खड़ी हुई है, 2017 ABS वाली, ये 2018 ABS वाली, दोनों ABS वेरिएंट्स है गाइस. ABS वेरिएंट के अंदर आपको न्यू अलॉय व्हील्स मिलते हैं, न्यू सस्पेंशन मिलता है, एंड ABS मिलता है. 11,000 किलोमीटर्स डन है इस आयरन के अंदर. एक्सेसरीज की अगर बात करी जाए तो आपको एक्सेसरीज में यू गेट द रियर सीट, रियर बैक रेस्ट, एंड कस्टम एग्जॉस्ट में लगे हुए हैं अगेन विच इज़ रियली लाउड. चलान अब सब पे एग्जॉस्ट पे कट रहे हैं क्योंकि ये नॉइस पोल्यूशन के बेसिस पे आप कोई भी शॉक एग्जॉस्ट अगर कोई भी एग्जॉस्ट लगाते हो उसके अंदर चलान कटेंगे कटेंगे. बाकी 11,000 किलोमीटर्स डन, 2017 की ये बाइक है एबीएस मॉडल.
इसका प्राइस यू आर एक्सपेक्टिंग 6.5 लाख, 6.5 लाख रुपये की ये वाली मिल जाएगी। एंड सेम बाइक इन डिफरेंट कलर, ये रस्ट कलर आप देख सकते हो, दिस वॉज अ वेरी लिमिटेड कलर आया था, लिमिटेड एडिशन तो नहीं था बट दिस कम इन वेरी लिमिटेड क्वान्टिटीज। ये भी ABS मॉडल है, HR रजिस्ट्रेशन है एंड चली है सिर्फ 3500 किलोमीटर और लिटल ओवर 3500 किलोमीटर्स डन। इसके अंदर सिंगल सीट ऑप्शन मिलता है आपको, द स्टॉक विच कम्स फ्रॉम द फैक्ट्री, ये सिंगल सीट ही आती है। इसके अंदर रियर सीट और रियर फुटपेज आपको लगाने पड़ते हैं गाइज, फुटपेज इसमें लगे हुए हैं, रियर सीट आपको लेनी पड़ेगी। बाकी रही बात एक्सेसरीज की गाइज, इसके अंदर सिर्फ iXile का एग्जॉस्ट लगा हुआ है, iXile का एग्जॉस्ट लगा है, उसके अलावा दिस बाइक इज स्टॉक। एंड प्राइसिंग की बात करें तो ये 2018 की है, 2018 की है ये, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग 7 लाख फॉर द बाइक, अगेन विच इज फर्दर मोर नेगोशिएबल। 83cc के बाद गाइस आती है 1200cc के ऑप्शन, 1200cc के अंदर मेरे पास काफ़ी लाइनअप खड़ा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये तीनों चीज़ें खड़ी हैं, कस्टम 1200 एंड 248s। तो चलिए आपको मिलवाते हैं इन तीनों बाइक्स के साथ। अब जो नेक्स्ट आप बाइक देख रहे हो, दिस इज 1200cc कस्टम 1200, इसके अंदर भी गाइस ये बॉबर स्पेक आती है, इसके अंदर बोथ फ्रंट एंड रियर टायर ऑफ द सेम साइज, थोड़ा बहुत ही फर्क होता है, द सेम थिंग वी कम्स इन 48, ये साथ में 48 खड़ी है, इसके अंदर भी आगे पीछे टायर साइज सेम होता है, अनलाइक आयरन जिसके अंदर आगे पतला होता है पीछे मोटा होता है गाइस। 2017 की ये बाइक है कस्टम 1200, 1200cc का इंजन एंड देख पूरी क्रोम से भरी हुई होती है, फॉर ऑल द क्रोम लवर्स गाइस दिस इज द परफेक्ट बाइक फॉर यू ऑल। टॉर्की मशीन है, काफ़ी अच्छा टॉर्क है, डुअल सीट्स आपको ऐसी सीट्स कंपनी से मिलती है। एंड एक्सेसरीज से अगर बात करूँ गाइस तो इसके अंदर आपको वैनसनाइंस का एग्जॉस्ट मिलता है, लेग गार्ड मिलता है अलॉन्ग विद LED ऑक्सिलरी लाइट्स, उसी के साथ साथ LED हेडलाइट मिलती है। एंड लास्ट वन ऑफ द लीच, इसके अंदर हार्ले की तरफ से ऑयल कूलर लगा हुआ है, ये आप छोटा सा तो यहाँ पे यूनिट देख रहे हैं, दिस इज़ द ऑयल कूलर। बेसिकली जितनी भी हार्लीज आती हैं इस रेंज के अंदर सारी एयर कूल्ड होती हैं, आपको इस बाइक के अंदर ऑयल कूलर भी मिल रहा है। एंड लगभग 7500 किलोमीटर चलिए, 7500 किलोमीटर्स डन, 2017 की ये बाइक, हमारा प्राइस जो एक्सपेक्टेड है इसके लिए दैट्स ओनली 7.5 लाख, 7.5 लाख में आपको ये मिल जाएगी, विच इज़ अगेन फर्दर मोर नेगोशिएबल। चलते हैं इसके बाद 48 के ऊपर, वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग लुकिंग मशीन एवर प्रोड्यूस बाय हार्ली। इसके अंदर जो प्लस पॉइंट है और नेगेटिव पॉइंट है वो एक ही है, वो इसका टैंक है, वन ऑफ द मोस्ट यूनिक लुकिंग टैंक, ये सिर्फ 8 लीटर का टैंक है, ये इसका प्लस पॉइंट कह लो ये नेगेटिव कह लो, बिकॉज फ्यूल कैपेसिटी सिर्फ 8 लीटर की है। एंड अगर 10-12 की एवरेज मान के चलो तो सिर्फ 80 किलोमीटर चलती है फुल टैंक के अंदर, बट सबसे यूनिक लुकिंग सबसे डिसेंट लुकिंग बाइक यही है। ये भी नई वाली 48 है गाइस, जिसके अंदर आके आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं, एल्सवेयर पुरानी 48 में आपको स्पोक्स वाले रिम्स मिलते थे, इसमें यू गेट दी अलॉय व्हील्स, अलॉन्ग विद द अलॉय व्हील्स आपको पीछे एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलता है, ABS मिलता है एंड द न्यू हार्ली डेविडसन बैचिंग ऑन द टैंक। एक्सेसरीज की बात करें गाइस, जिसके अंदर आप पीछे देख सकते हो रियर सीट लगी हुई है अलॉन्ग विद रियर फुट पेग्स एंड उसी के साथ साथ वैन से 9 एग्जॉस्ट लगे हुए हैं। गाइस 2018 की ये बाइक है, 2017 मैन्युफैक्चर 18 रजिस्टर्ड, अ लिटिल ओवर 8300 किलोमीटर्स डन, 8300 किलोमीटर चली हुई है। एंड रही बात प्राइसिंग की गाइस, इसका वी आर एक्सपेक्टिंग 8.5 लाख, 8.5 लाख रुपए के अंदर आपको 48 मिल जाएगी ब्लैक कलर के अंदर। एंड उसके साथ जो खड़ी है द यूनिक आइटम विच इज़ इन द लॉट, ये एक लिमिटेड एडिशन की 48 है गाइस इन ब्यूटीफुल येलो कलर। हार्ली इज़ ऑल अबाउट बींग ब्लैक एंड क्रोम, बट दिस इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम सुपर बाइक्स पर सरस्वती मोटर्स के ऊपर एक येलो कलर की 48 आपको मिल रही है। एंड दिस इज़ अगेन अ वेरी आइकॉनिक लुकिंग बाइक। एंड एक्सेसरीज की अगर बात करी जाए गाइस, इसके अंदर आपको हैंडल बार ग्रिप्स मिल जाती है HD की तरफ से, अलॉन्ग विद हैंडल बार ग्रिप्स आपको इसके अंदर हार्ली नंबर 1 की टैंक कैप मिल जाती है, टैंक कैप के साथ साथ रियर सीट रियर फुटपेक जिसमें लगे हुए हैं एंड यू गेट दी वैंस 9 एग्जॉस्ट, डेली रजिस्टर्ड विद अ पेड फैंसी नंबर 0666, 5500 किलोमीटर्स, 5500 किलोमीटर चली है। एंड इसका प्राइस हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट्स गोना बी 8,25,000, 8.25 लाख रुपए के अंदर आपको येलो वाली 48 मिल जाएगी। एंड लाइक ऑलवेज प्राइसेस आर फर्दर नेगोशिएबल। बाकी ये था 1200cc का लाइनअप गाइस। इसके बाद एक आ जाती है द मोस्ट अमेजिंग लुकिंग बाइक एवर प्रोड्यूस बाय हार्ली इज द फैट बॉब। सो गाइस नेक्स्ट बाइक आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा मैं, द ब्यूटीफुल लुकिंग अमेजिंगली क्राफ्टेड हार्ली डेविडसन फैट बॉब 107 CI, CI स्टैंड्स फॉर क्यूबिक इंच, यहाँ पे लिखा हुआ है 107। ये बाइक एक बिल्कुल यूनिक अफेयर है, अ वेरी यूनिक बाइक विच हैव बीन डिलीवर्ड एंड क्राफ्टेड बाय हार्ली डेविडसन। मतलब इसकी कितनी तारीफ करूँ उतनी कम है, दिस इज़ नॉट अ टिपिकल हार्ली गाइस जो आपको देखने को मिलती है, दिस साउंड्स डिफरेंट, लुक्स डिफरेंट एंड जो कैरेक्टर ये डिलीवर करती है इट्स एंटायरली डिफरेंट।
आगे कंप्लीट एक डायमंड एलईडी हेडलाइट्स का आपको यूनिट मिलता है विच लुक्स वेरी मीन एंड वेरी डिफरेंट वेरी यूनिक। आपको दिखाता हूँ मैं, ये दिस इज द हेडलाइट। स्टार्ट कर ही लिए तो पहले इसको फायर अप करते हैं, इसकी आवाज़ सुनाते हैं आपको, फिर आगे बताता हूँ इसके बारे में। दिस इज़ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम गाइस, हार्ली के अंदर आपको एक टाइटेनियम एग्जॉस्ट मिल रहे हैं। फ्रॉम 2:1:2, ये 2:1:2 एक उसके एग्जॉस्ट हैं, स्टॉक एग्जॉस्ट हैं, तभी इतनी लाउड नहीं है। एक्सेसरीज में इसमें सिर्फ आगे लेग गार्ड लगा हुआ है, रेस्ट द बाइक इज बोन स्टॉक। 2017 मैन्युफैक्चर एंड 19 रजिस्टर्ड है, 2019 की ये बाइक है। और लिटिल ओवर 5000 किलोमीटर्स रिडन, यूपी रजिस्ट्रेशन है, VIP नंबर है 0005। दिस क्लीन मशीन, इसका हम लोग जो प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट्स ओनली 12.5 लाख, 12.5 लाख रुपये हमारा एक्सपेक्टेड प्राइस है, विच इज़ फॉर द नेगोशिएबल ओवर द टेबल। यू कैन कम ओवर, हैव अ लुक एट द बाइक, टेक इट टू द हार्ली डीलरशिप, चेक करवा सकते हो बिफोर बाइंग, वी डोंट माइंड एट ऑल। सो गाइस, अब आ चुके हैं हम शोरूम के अंदर। यहाँ पे भी बड़ा सारा लाइनअप खड़ा है मेरे पास, स्टार्टिंग फ्रॉम दुकाटी टू दिस 3 ब्यूटीफुल हायाबूसाज, सुजुकी इंट्रूडर 1800 एंड लास्ट में खड़ी है हमारे पास अमेजिंग रॉकेट 3। बाकी आपको चलो एक एक करके मैं शुरुआत करते हैं। पहले आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ मैं डुकाटी के साथ। दिस इज अ 2019 डुकाटी सुपर स्पोर्ट एस। इसके अंदर गाइस आपको आगे ओलिंस का सस्पेंशन मिलता है, बोथ फ्रंट एंड रियर, ब्रेम्बो ब्रेक्स मिलती है, ऑटो ब्लिपर, क्विक शिफ्टर, ट्रैक्शन कंट्रोल, अलॉन्ग विद ट्रैक्शन कंट्रोल ABS के भी मोड्स मिलते हैं इसके अंदर आपको, राइडिंग मोड्स मिलते हैं आपको, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज देयर इन दिस बाइक। एंड दिस इज वन ऑफ अ काइंड स्पोर्ट्स टूरिंग मशीन, एक स्पोर्ट्स टूरर है गाइस। पीछे अगर आप सीट देखेंगे इसके अंदर स्प्लिट सीट्स नहीं आती, इसमें एक सिंगल सीट यूनिट आता है, बोथ फ्रंट एंड रियर, पीछे काउल लगा हुआ है, काउल के नीचे सीट है। 2019 की ये बाइक ओनली 1400 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर चली हुई है सिर्फ, आप दुकाटी चेक करा सकते हो। दिस इज अ ब्रांड न्यू मशीन, HR रजिस्टर्ड है, सिंगल ओनर है, एंड इसका प्राइस हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट्स गोना बी 11 लाख रुपीस ओनली, सिर्फ 11 लाख रुपए हमारा एक्सपेक्टेड प्राइस है, विच इज अगेन फर्दर नेगोशिएबल। दिस इज अ वेरी क्लीन बाइक इंडीड गाइस, आप आइए देखिए, चेक कीजिए, कंपनी चेक कराइए एंड मेक दिस बाइक ऑल योर्स। नई का बारे में, नई प्राइस के बारे में बात करें तो इट्स अ लिटल ओवर 16 लाख से ऊपर की ये बाइक पड़ती है ऑन रोड, एंड हमारे पास 11 लाख रुपए एक्सपेक्टेड प्राइस है, विच इज फर्दर नेगोशिएबल। बाकी आते हैं इन तीनों बूसास के ऊपर गाइस। पहले खड़ी है 2011 पंजाब रजिस्टर्ड की, ये PB रजिस्टर्ड की बूसा खड़ी है मेरे पास, 2011 ब्लैक एंड रेड कलर। इसमें भी काफ़ी सामान लगा हुआ है, फ्रॉम द फ्रंट वाइजर टू LED हेडलाइट्स, इंजन गार्ड, क्रैश गार्ड, टैंक पैड, टैंक ग्रिप्स एंड एक फुल सिस्टम 4:2:1 M4 का एग्जॉस्ट। इसमें सिंगल साइड एग्जॉस्ट है, दूसरी तरफ एग्जॉस्ट नहीं होता इसके अंदर। बाकी चली है नियरिंग 27,000 किलोमीटर, 27,000 किलोमीटर चली हुई है, एंड फॉर दिस बाइक वी आर एक्सपेक्टिंग ओनली 8.5 लाख, 8.5 लाख हमारा एक्सपेक्टेड प्राइस है। आई नो लोगे कमेंट आएंगे कि प्राइस बहुत ज़्यादा है, बट अभी आगे चल के आपको एक कंपैरिजन दे देता हूँ मैं, प्राइस ज़्यादा क्यों है। ये 2011 हो गई, ये 2013 खड़ी है गाइस, बीच में 2017 खड़ी है। 2013 वाली जो है चली सिर्फ 15,000 किलोमीटर गाइस, 15,000 किलोमीटर्स डन। इसके अंदर भी आपको क्रैश गार्ड, इंजन गार्ड, टैंक पैड, टैंक ग्रिप्स मिल जाती हैं एंड टू ब्रदर्स रेसिंग के ओरिजिनल एग्जॉस्ट मिल जाते हैं। डेली रजिस्टर्ड है विद VIP नंबर 0007, जेम्स बॉन्ड 007 स्काई का नंबर है, एंड इरिडियम विंडस्क्रीन, काफ़ी कुछ एक्सेसरीज लगी हुई हैं। इसका प्राइस हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ओनली 9.5 लाख, 9.5 लाख रुपये के अंदर आपको 2013 मिल जाएगी गाइस। अब बारी आती है 2017 की, इसके अंदर भी आपको ये ब्रेम्बो ब्रेक्स और ABS वेरियंट है, बाकी दोनों आपने देखे वो नॉन ABS थे, ये ABS वेरियंट है गाइस। इसके अंदर आपको LED हेडलाइट्स मिल जाती हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी, दीज आर कंप्लीट LED हेडलाइट्स, बहुत लो बीम एंड हाई बीम, अलॉन्ग विद द हेडलाइट्स का जिसके अंदर आपको फ्रंट इरिडियम विंडस्क्रीन, लीवर्स, इंजन गार्ड, क्रैश गार्ड, टैंक पैड, टैंक ग्रिप्स, SC प्रोजेक्ट के कस्टम एग्जॉस्ट, रेप्लिका एग्जॉस्ट आपको मिलते हैं, ओरिजिनल नहीं मिलते हैं, ये रेप्लिका हैं, स्लिप ऑन एग्जॉस्ट हैं, पीछे काउल लगा हुआ है, सीट आपको मिल जाएगी, डेली रजिस्टर्ड है एंड इसका भी VIP नंबर है। ये चलिए लगभग 22,000 किलोमीटर, 22,000 किलोमीटर्स डन है, एंड इसका प्राइस हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं गाइस दैट्स ओनली 11.5 लाख, 11.5 लाख रुपए के अंदर आपको 2017 मिल जाएगी। अब डिफरेंस की बात यही है कि 8.5 की 2011, 9.5 की 2013,
और सिर्फ 11.5 लाख रुपये की 2017 क्यों? ये डिफरेंस इसीलिए गाइस, एक CKD और CB यूनिट की वजह से। कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट जो है इट कॉस्ट यू नियरिंग 19 लाख 19 लाख से ऊपर की पड़ती थी, अगर एक्सेसरीज में लाए तो बहुत महंगी पड़ती है। एंड एक CKD कॉस्ट करती है आपको अंडर 16 लाख्स। दैट्स द मेन फ़र्क, यही डिफरेंस है दोनों के बीच में, तभी प्राइसिंग का फ़र्क है। सो गाइस अब आ जाते हैं हम सुजुकी की तरफ से ये क्रूज़र के ऊपर। दैट्स योर सुजुकी इंट्रूडर M1800R, 1800cc की ये बाइक है, क्रोम से लपालप भरी हुई है। दिस इज ऑल्सो V-twin इंजन गाइस। एक हार्ले के अंदर और एक क्रूजर के अंदर, एक सुजुकी इंट्रूडर के अंदर गाइस बहुत फ़र्क है। हार्ले भी V-twin होती है बट एक आवाज़ डिफरेंट आती है, एक डिफरेंट बाइक ऑल टुगेदर है, बट ये भी एक V-twin है, ये बिल्कुल लग साउंड करती है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है ड्यू टू द इंजन ओरिएंटेशन एंड इंजन के अंदर जो पिस्टन्स यूज़ करेंगे, द सिलेंडर हेड एंड द सिलेंडर क्वालिटी जो यूज़ की बहुत डिफरेंस है। इसमें एक सिलेंडर होता है 900cc का, 900cc का एक सिलेंडर है। वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोडक्शन पिस्टन एवर प्रोड्यूस्ड इन बाइकिंग कम्युनिटी इज यूज इन दिस बाइक। एंड ये इसके अंदर आगे डेडिकेटेड रेडिएटर दिया होता है। दिस इज लिक्विड कूल्ड मशीन जो एक हार्ले से कंपेरेटिवली थोड़ी सी ठंडी चलती है। एंड अमेजिंग लुकिंग मशीन, लगभग 18 लीटर का टैंक है इसका। एंड पीछे काउल आपको मिल जाएगा इसके अंदर, कोबरा के फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगे हुए हैं, लेग गार्ड लगा हुआ है इसके अंदर, आपको ये स्पीकर्स मिल जाते हैं, ब्लूटूथ एनेबल स्पीकर्स हैं इसके अंदर, ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं, डेली रजिस्टर्ड है, ओनली 4000 किलोमीटर्स डन, नंबर भी अच्छा है 0045। एंड प्राइस इसका जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इट्स ओनली 10 लाख रुपीज़। दिस इज़ अ 2014 मॉडल, 2014 मैन्युफैक्चर एंड रजिस्टर्ड है। 10 लाख इज एक्सपेक्टेड प्राइस फॉर द नेगोशिएबल। हमारा आज का वीडियो पूरे लॉट को लेके, पूरा लॉट तो वैसे बहुत बड़ा है, एक वीडियो में कवर करना मुश्किल हो जाता है। Absolutely. पर जितनी जितनी ब्रांड थी सारी ब्रांड के हिसाब से दिखाई दी, ऑलमोस्ट सारे ब्रांड हमने कवर करने की कोशिश करी है गाइस। बाकी आपको कौन सी पसंद आई बाइक नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना। एंड भाई की चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, कर दो सबसे पहले जाओ नीचे आके सब्सक्राइब करो, 50,000 का टारगेट तो पूरा करिए, जरूर कर देना सब्सक्राइब भले एक बारी को ना हो। डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो गाइस, शेयरिंग इज केयरिंग, शेयर करो, सब तक पहुंचाओ क्या क्या लॉर्ड सरस्वती मोटर्स पर नया आया है। ये वीडियो अभी तक मेरे चैनल पर भी नहीं आई है, ये बाइक्स मेरे चैनल पर भी नहीं आई है जो भी अर्जुन के चैनल पर आपको देखने को मिल रही है। बाकी डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप इन योर कमेंट्स, और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, इंस्टा पे जरूर कर लेना, यहाँ पे कहीं पे अगर ये डालेगा थोड़ी मेहनत करेगा। तो मेरा यूजर नेम हर बार नहीं डाला, क्या बार है, हर बार डालता भाई लड़का। आई एम जसनीत के नाम से मेरा यूजर नेम है, वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। सारी अपडेट, सारी नई बाइक्स का सबसे पहले पोस्ट मेरे इंस्टाग्राम पे आता है, स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी गाइस थैंक्स फॉर ऑल योर लव, मतलब ऐसे क्या ध्यान लगा के वीडियो देखते हैं। पिछली बार मैं आई बटन में वीडियो डालना भूल गया था, ऑलमोस्ट 20-25 कमेंट्स उसी बात पे थे कि आई बटन में वीडियो नहीं डाली। बहुत भाई नेक्स्ट लेवल बिजी लोग हैं, भूल जाते कभी कभार। बट एनीवेज गाइस थैंक्स फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट व्हिच यू गाइस हैव बीन शेयरिंग टू बोथ ऑफ अस। ऐसे ही करते रहो प्यार, ऐसे ही करते रहो सपोर्ट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। स्टे ट्यून्ड, जसनीत सिंह फ्रॉम सुपर बाइक्स सरस्वती मोटर्स साइनिंग ऑफ, सी यू।